नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, किसने क्या खूब कहा है, इस देश को जितना खतरा जातिवाद से है, जितना खतरा क्षेत्रवाद से है, जितना खतरा धर्मवाद से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा बुद्धिजीवीवाद से है। बुद्धिजीवीवाद को लेकर हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानना मजेदार भी है और आपके लिए जानना जरूरी भी है। और ये पूरा प्रकरण आर्थिक बुद्धिजीवीवाद से है, इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअलिज्म। क्या है वो पूरा मामला, कहानी दिलचस्प है, सुनिएगा तो मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, इस देश में एक से बढ़कर एक अर्थशास्त्री हुए, लेकिन एक अर्थशास्त्री थे रघुराम राजन, RBI के पूर्व गवर्नर, और हाल के दिनों में वो लगातार न्यूज में है, सुर्खियों में है। 3-4 उनके बयान हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहे हैं, कुछ की तारीफ हो रही है और कुछ का मजाक भी उड़ रहा है। एक बयान उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो हालात हैं देश के, उसमें ये देश 5% अगर विकास दर हासिल कर ले तो आश्चर्य होगा, नहीं कर सकता। और जिस क्वार्टर के बारे में उन्होंने कहा था कि 2023 का जो लास्ट क्वार्टर है कि उसमें 5% नहीं विकास दर हासिल कर सकता, उसमें भारत ने 7.8% विकास दर हासिल किया। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपका आकलन तो फेल कर गया। रघुराम राजन से पूछा गया कि आप जो बाजार में खराब सेंटिमेंट्स पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो माहौल बिगाड़ रहे थे, ऐसा क्यों किया आपने, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा आकलन गलत हो गया। पिछले 24 घंटे में रघुराम राजन ने दो और स्टेटमेंट दिए। एक तो धीरज साहू के घर जो कैश बरामद हुआ, कांग्रेस के जो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, 400 करोड़ के आसपास बरामद हुआ, उसे लेकर रघुराम राजन ने कहा कि इसमें गलत क्या है। अर्थशास्त्रियों की नजर में या उनकी नजर में कह रहे हैं वो कि बेचारा सरकार तो चेक से पैसे ले सकती है, सरकार के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, लेकिन विपक्ष के पास तो सिर्फ काला धन रखना ही एक साधन है। अगर चुनाव लड़ना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में वो काला धन न रखे तो करे क्या। ऐसे हैं रघुराम राजन, अजीब, एक्सेलेंट RBI के पूर्व गवर्नर। कोई गलत नहीं है कैश रखना, 400 करोड़ तो रखना गलत है ही नहीं, और काला धन रखना तो बिल्कुल गलत नहीं। ये भी अर्थशास्त्री है। एक और उनका स्टेटमेंट है जो पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में नोएडा और बेंगलुरु और मुंबई, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, और बाकी सारे देश की हालत सब सहारन रेगिस्तान से भी बुरी है आर्थिक मामलों में। मतलब कि अर्थव्यवस्था की हालत बेंगलुरु, दिल्ली, नोएडा, मुंबई छोड़ के बाकी सब सहारन अफ्रीका से गई भी हालत है। इसका मतलब जो आप कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब जो शहर में आप लोग रह रहे हैं ना, आप लोग सब सहारन आर्थिक मामलों को लेके, जो आपके इकोनॉमी की जो रफ्तार है, वो सब सहारन रेगिस्तान से भी बुरी गई बीती है। और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ उन्होंने कहा भाई, और जब इतने बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा ही। अब उनके इन तमाम बयानों से सोशल मीडिया रंगे पड़े हैं, अलग अलग पत्रकार, अलग अलग बुद्धिजीवी अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और इस बुद्धिजीवीवाद से देश की जनता परेशान है। एक पत्रकार है कंचन गुप्ता, बहुत सीनियर है, उनका कहना है कि पिछले 5-7 सालों में रघुराम राजन ने इस देश के बारे में एक अच्छी बात कही हो तो आप बता दीजिए, आप निकाल दीजिए कि भारत के बारे में उन्होंने कभी कोई अच्छी बात कही हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कंचन गुप्ता जी का कहना है कि रघुराम राजन कुछ नहीं है, ओवर रेटेड इकोनॉमिस्ट है, वो गरीबों का अमर्त्य सेन है। जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है भारत में, या जब भी कोई बड़ी घटना होती है, तो इस मकसद से भारत में आता है ताकि कुछ उसे मीडिया अटेंशन मिल जाए। वो उलूल जुलूल बयानबाजी करता है जिसको कोई ध्यान नहीं देता, और वो चला जाता है। एक और पत्रकार है, उनका कहना है कि रघुराम राजन की असली फ्रस्ट्रेशन यही है कि शक्तिकांत दास,
जो कि आरबीआई के अभी गवर्नर हैं, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। उन्होंने दूसरे फील्ड से, शायद हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से किया है। वो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से करने वाला आरबीआई को इतना बढ़िया चला रहा है, इस देश के सारे बैंकों को प्रॉफिट में ले आया, और ये इकोनॉमिस्ट रह के कुछ नहीं कर पाए, तो ये फ्रस्ट्रेशन, इसलिए वो अल के बल बोलते रहते हैं। एक और बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, उनका कहना है कि रघुराम राजन कुछ नहीं है, वो राहुल गांधी का इकोनॉमिस्ट है, वो सिर्फ राहुल गांधी को सलाह देने के लायक है, बाकी तो कोई दुनिया में कोई उसकी सुनता नहीं। वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसकी नौकरी चली गई, आरबीआई का गवर्नर हुआ करता था, देश में उसको उसकी पूछ थी भाई, आजकल कोई नहीं पूछता। तो वो जो कहते हैं ना कि एक गांव की जो सबसे कमज़ोर महिला होती है, जब वो कुछ नहीं कर पाती तो कहती है कि तुम्हारा घर जल जाए, गांव तबाह हो जाए, तुम लोग डूब जाओ, कोई तुम्हारा परिवार में मर जाए। वही हालत रघुराम राजन की हो गई है, जब से उनके पास नौकरी कोई रही नहीं, तो वो यही कह रहे हैं कि भारत डूब जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, लोकतंत्र खतरे में हो गया, यहाँ दंगे होंगे, फसाद होंगे, इकोनॉमी डूब जाएगी। ऐसा कुछ हो वो नहीं रहा है। अब आखिरी स्टेटमेंट मज़ेदार, जो रघुराम राजन ने कल शाम को कहा, उन्होंने कहा कि 2025 तक इस देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पहुँच ही नहीं सकती, और ये हो ही नहीं सकता। अरे रघुराम राजन जी, आपके न चाहते से भी इस देश की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन पहुंची है, इस देश की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन भी पहुंची है, 4 ट्रिलियन पहुंचने वाली है, और आप चाहें या न चाहें 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पहुंचेगी। इसलिए नहीं कि आपने स्टेटमेंट दिया है इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं, इसलिए कि सबसे ज्यादा दुनिया में काम करने वाले हाथ हमारे पास हैं, सबसे तेजी से बढ़ता बाजार हमारे पास है, सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और सबसे अच्छा ब्रेन हमारे पास है, और आप चाहें या ना चाहें सबसे अच्छा नेतृत्व हमारे पास है, जो कि देश को आगे ले जाना चाहता है। आप फ्रस्ट्रेशन में मरे, आप अमेरिका से लेकर भारत तक आकर कम्युनिस्ट मीडिया को कुछ भी बयान देते रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार।